बोलते हैं कौन कहता है प्यार नहीं करता, अगर प्यार नहीं होता तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी उनके याद में वो लता मंगेशकर चौकी क्यों बनाते। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं भाई, होप आप लोग अच्छे हो। तो आज के श्लोक में आ चुके हम अयोध्या, जो कि आपको पता है और अभी करेंट टाइम में हम अभी खड़े हैं। मैं बताऊँ क्या मतलब, मैं थोड़ा सा कैमरा घुमाऊँ तो सब कुछ देखने को मिल जाएगा, मगर मैं बोलूँ थोड़ा सा मैं घुमाऊँ तो समझ में आ जाएंगे, बट मैं बोलूँ अभी मैं खड़ा हूँ लता मंगेशकर चौड़ा, जो कि मतलब क्या कहूँ, कौन कहता है प्यार नहीं करते हैं लोग। मैं अभी थोड़ी सी बात करूँगा अपने पीएम मोदी जी के बारे में, मैं अभी थोड़ी सी बात करूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, क्योंकि लोग कहते हैं ना प्यार नहीं करते, प्यार सब करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण ये लता मंगेशकर चौड़ा है। मैं थोड़ी सी बात करूँगा आगे, और क्योंकि अभी यहाँ थोड़ा रश ज़्यादा दिख रहा है मुझे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और बात करते चलता हूँ मैं आपको, और बताऊँगा पूरी डेप्थ में कहानी। और लोग कहते हैं प्यार नहीं करते वो गलत है, प्यार सब लोग करते हैं, कौन प्यार नहीं करता। मतलब मुझे लगता है अपने इतिहास, मतलब इतिहास में पहली बार है, मतलब ऐसा कभी देखा नहीं होगा लाइट में डेकोरेशन, मतलब वो बांस की थोड़ी सी बेत की मतलब डलिया बनाई हुई है, उसके नीचे जो लाइटिंग लगी हुई ना, मतलब बहुत अच्छा वाला इन्वायरमेंट मतलब फील आता है, मतलब पेड़ के साथ और नेचर लवर के लिए तो एकदम बेस्ट ऑप्शन ही देखने को मिल रहा है। मतलब पूरे पेड़ में ये जो लाइटिंग दिख रही ना वो अल्टीमेट लेवल की है, मतलब अल्टीमेट लेवल की भाई, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। और ये यहाँ पे जो, और दूसरी बात है ना कि ये पीपल का पेड़ है, तो ये हवा जो आ रही है ना वो ठंडी ठंडी, ठंडे में और ठंडी ठंडी हवा, और गर्मी में तो पता नहीं कितनी मज़ा आता है, मगर अभी ठंडा है तो उतना मज़ा नहीं आ रहा, मगर ये जो पेड़ देखने को मिल रहा है ना, मतलब बहुत ही अल्टीमेट लेवल का फील आ रहा है। मतलब इसके पीछे अगर देखें बहुत ही, मतलब बहुत लोग अगर देखें तो इसके पीछे नीचे इन्जॉय भी कर रहे हैं, ऐसा कि नहीं लगा ऐसे, मतलब सच में बहुत ही अच्छा ये और यूनिक दृश्य देखने को मिलता है ये अयोध्या नगरी में। जय श्री राम। जैसे कि आप सभी भारत देश के नगरवासी तो जानते ही हैं, हमारे संत महंत यहाँ पे सब विराजमान हैं, हम अयोध्या की नगरी में यहाँ खड़े हैं। अयोध्या की नगरी में यहाँ भगवान प्रभु श्री राम जी 22 तारीख को यहाँ विराजमान होएंगे, जो नया मंदिर बना है गर्भगृह में विराजमान होकर के भगवान श्री राम जी पूरे विश्व का संचालन करने जा रहे हैं। त्रेता युग की अयोध्या तो किसी ने देखा ही नहीं है, पर जो ये कलयुग की अयोध्या है, कलयुग की अयोध्या तो अद्भुत है, इसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। वर्तमान की अयोध्या हम सब देख रहे हैं, और जितने भी यहाँ अयोध्या में संतगण खड़े हैं, एक एक संत महापुरुष है, भगवान के अवतार है, और जो यहाँ हमारे नागरिक जन है और जितने भी जनता है, वो जनता इस देश की साक्षी बनने जा रही है कि 22 जनवरी के दिन प्रभु श्री राम जी अयोध्या में बैठ करके पूरे विश्व का संचालन करेंगे। अयोध्या एक ऐसी नगरी है कि पूरे विश्व में ऐसी दूसरी अयोध्या कभी नहीं बनेगी, और अयोध्या के अंदर जो श्री राम मंदिर बना है वो श्री राम मंदिर राष्ट्र मंदिर बन गया है, और राष्ट्र मंदिर बन करके हमारे सभी संतगण और हमारे देश के बड़े प्रधान नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी और योगी जी मिल करके अयोध्या नगरी को एक नया मंदिर दिया है। मंदिर राम मंदिर तो बन करके खड़ा हो गया है, भगवान श्री राम जी विराजमान हो जाएंगे, फिर वो मंदिर को राष्ट्र मंदिर तरीके घोषित कर दिया जाएगा। भारत माता की जय। जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं, और आप आपको बताते हैं वो मतलब लता मंगेशकर चौराहे के बारे में। सच में बोलते हैं कौन कहता है प्यार नहीं करता, अगर प्यार नहीं होता तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी उनके याद में वो लता मंगेशकर चौकी क्यों बनाते, और इसका एक जीता जागता उदाहरण है वो, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उनका सबसे फेवरेट चीज गिटार, जो कि मतलब उसी का सैम्बल देखने को मिलता है वहाँ पे, और ये कहीं ना कहीं उनके याद में बनाया गया है, और ये मेंशन भी है वहाँ पे, और मेंशन भी ऐसा नहीं कि बोली जा रही बात है कुछ भी, उनके याद में बनाया गया। और सामने उसके ठीक सामने एक गोल्ड टैंक पे उनकी तस्वीर भी बनी हुई है लता मंगेशकर जी की, और उनके याद में मतलब